तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे नंबर्स इसकी टेबल बना सकते हैं 0 से डिग्री से लेकर 360 तक ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमारे ये फंक्शंस हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड लास्ट में कॉट थीटा। एंड यहाँ हमारे एंगल्स दे रखे हैं 0 डिग्री से लेकर 360 में। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से 90 तो काफ़ी हमें सिंपल याद होनी चाहिए। ठीक है, 0 से 60 आपको याद होनी चाहिए, देन आप पूरी 360 तक बना सकते हैं। फाइन, तो जैसे हमारा साइन 0 की होती है हमारी 0, और 30 की होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है 3/2, एंड 90 की होती है 1। ये आपको ध्यान रखना है पहले कि जो ये सारे फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन ओनली पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 180 से लेकर 270 के बीच में हमारा टेन पॉजिटिव होता है। आप देखेंगे 180 से लेकर 270 के बीच में टेन की जो वैल्यूज़ है सारी पॉजिटिव है, टेन और क्वाड की सारी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 270 से लेकर 360 के बीच में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब आती है हमारी साइन की। तो साइन का कैसे निकालेंगे, तो साइन की हमें सिंपल याद होनी चाहिए। कॉस की क्या होती है, कॉस कॉस की निकालने के लिए हमें साइन की रिवर्स कर देना चाहिए। ठीक है, रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि यहाँ साइन की 90 है, साइन की 90 है ये 1, तो कॉस की 0 होगी, तो हमने रिवर्स कर दिया। तो 1/√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, रिवर्स कर दी। ठीक है, ऐसे ही अब क्या होगा, यहाँ हमारा ये हो गया। फिर इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे 120, तो 120 के लिए भी हमें रिवर्स कर देना है। तो 1 के बाद क्या है, √3/2 आ गया 120 में। 1/√2 क्या होगा, इसको पीछे जाते जाएंगे और 0 तक पहुंच जाएंगे 180 पे। ठीक है, ऐसे ही अब जो हमें ये वैल्यूज़ मिल गई, अब इसका रिवर्स कर दो। और हमें याद होना चाहिए कि कॉस की सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है, तो सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 तो हमें पता ही है 90 होता है, उसके 1/2 माइनस का हो जाएगा, 1 -1/2। ठीक है, तो ये बस रिवर्स होगा, फिर स्ट्रेट हो जाएगा, फिर रिवर्स होगा, तो ये ऐसे चलता जाएगा और ऐसे वैल्यूज़ बनती जाती है इसकी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा अब यहाँ क्या था 1/2, तो अब हमने इसको रिवर्स करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। और टेन क्या होता है हमारा, साइन अपॉन में कॉस थीटा, तो √3/2, 1 -1/2, काटने पे आ जाएगा -√3। ठीक है, तो टेन की तो हमें निकल जाती है कि जो भी दो वैल्यूज होती है साइन और कॉस की, उसको अपॉन में रख के फ्रैक्शन में ला के और उसे काट के जो फाइनल वैल्यू होती है हमारी टेन की होती है। तो हम टेन की वैल्यू से ही हम अपनी आगे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, या फिर आप इससे फाइंड कर सकते हैं साइन अपॉन में कॉस से। तो ऐसे ही पूरी वैल्यूज़ बन जाएगी। कॉसेक क्या होता है हमारा, 1/(sin), तो साइन से अगर साइन पता है आपको तो कॉसेक की वैल्यू निकल जाएगी। सेक की वैल्यू, ये अनडिफाइंड यूडी मतलब क्या है, यूडी आपको पता होना चाहिए। जब 1/0 डिनोमिनेटर में होता है तो वो जो फ्रैक्शन होता है वो अनडिफाइंड होता है, 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये ऐसी वैल्यूज़ फाइंड होती है। अगर आपको डिटेल में और समझना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट।